हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ड्राई फ्रूट का टेस्टी और हेल्दी सांधा। ये खाने में टेस्टी भी लगता है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत करता है और ये बनाने में बहुत आसान है। आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट सांधा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बहुत बड़ा गोला लिया है और गोले को मैंने अच्छे से छील लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका छिलका उतार लिया है। 100 ग्राम मखाने लिए हैं, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और ये खरबूजे के बीज लिए हैं 100 ग्राम और ये 50 ग्राम लिए हैं मैंने, आप 50 से भी कम ले सकते हैं। भूरी मिर्च ली हुई है और ये 100 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिए हुए हैं। सबसे पहले हमें मिक्सी के जार में अपनी इस भूरी मिर्च डालनी है और इन्हें अच्छा बारीक पाउडर बनाना है। भूरी मिर्च अच्छे से पीस चुकी हैं। मिर्च पीसने के बाद दूसरे नंबर पर हम अपना गोला पीसेंगे। गोले का भी मैंने बारीक पाउडर बना लिया है, आप इसे बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। यहाँ तो मैंने घर पर इसका पाउडर बना लिया है गोले का। अब हम अपने मखानों को भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। मखाने भी आप इसी तरीके से दरदरे पीसें। इसे भी मैं अपने गोले के पाउडर में मिला रही हूँ। अब हम अपने बीज पीसेंगे जिनको हम मगज बोलते हैं। बीज को भी मैं इसी मिश्रण में डाल रही हूँ। ये भी मेरे पास 100 ग्राम तिल हैं सफ़ेद वाले, इनको भी मैं इसी तरीके से पीसूँगी। इनका भी बारीक पाउडर बनाएंगे। तिल पीसने के बाद अब हम अपने काजू बादाम पीसेंगे। इन्हें भी हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। काजू बादाम पाउडर भी हम इसी में मिला देंगे। ये हमारे 6 ड्राई फ्रूट थे और इसमें हमने ये भूरी मिर्च मिला दी है और ये टोटल मिलाकर 200 ग्राम हमारा गोला था और 100 ग्राम के बाकी के और सामान थे, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम तिल। अभी हमारा 600-700 ग्राम का मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम 500 ग्राम मीठा डालेंगे। सबसे पहले आइए इसे भूनते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम देसी घी लिया है और ये जितना भी मिश्रण मैंने सारा पीसा था इसको इस घी में डालकर अच्छे से भूनेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितने सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं। अगर आप इसे घर में बनाकर खाओगे ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा और ये टेस्टी भी लगेगा और आपके सर दर्द आँखों की दिक्कत भी नहीं रहेगी। हम इसे लगातार चलाएंगे और बहुत धीमी धीमी आंच पर इसको बनाना है ताकि ये जले ना और अच्छे से सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से सिक जाएं। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी है, ये थोड़ा भुन चुका है, अभी थोड़ा और भुनेगा। अभी दोस्तों मैंने इसमें मीठा नहीं डाला है, मीठा इसमें मैं भूनने के बाद डालूंगी। ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना, थोड़ा हल्का ही कलर रखना है। सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं और अब हम गैस को कर देंगे बंद। इसे भूनने के लिए मुझे 7 से 8 मिनट लगी हैं। ये मैंने बिल्कुल एकदम धीमी धीमी आँच में भूना है। अब इसे मैं यहीं पर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये कढ़ाई पर चिपके ना और जले ना, क्योंकि अभी कढ़ाई हमारी गर्म है। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बूरा लिया है, यानी कि आधा किलो बूरा डाल दिया है। आप घर में भी चीनी को पीस के डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला देंगे और हमारा ड्राई फ्रूट वाला सांधा रेडी है एकदम।
और आप इसे किसी प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके रख दें। आप इसे कम से कम एक महीना खा के देखें, आपको इसे खाने से आपकी सेहत में फ़र्क लगेगा। हम लोग इसे रात को दूध के साथ में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप भी इसे ज़्यादा दूध के साथ में रात को खाइए। आप इसमें मीठा अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हेल्दी और टेस्टी सांदा बनकर तैयार है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।